आप मुझे अपना एक साल दीजिए आईएएस बनने के लिए प्रयास करने में। मैं 5 दिन से लगातार आपके साथ हूं और कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी के 1 बरस मुझे दे दीजिए। 1 बरस में हो सकता है कि आप आईएएस न बने, लेकिन 1 बरस में आप वो ऊंचाई हासिल करेंगे जिसके बल पर आप बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। आलोक सिंह के साथ आपका 1 साल। हमने कहा था कि जीएस के मुख्य परीक्षा में जीएस के चारों प्रश्न पत्रों की तैयारी में सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र और चौथा प्रश्न पत्र तैयार करना है। प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास, भूगोल, सामाजिक समस्याएं, चतुर्थ प्रश्न पत्र में एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि वगैरह है। प्रथम प्रश्न पत्र में शुरू कर चुका हूं, जिसके अंतर्गत मैंने भूगोल का 2रा लेक्चर आज ले रहा हूं। एथिक्स के अध्यापक मुझे बुलाने पड़ेंगे, मैंने दिल्ली से बात की है। दिल्ली के एक प्रसिद्ध अध्यापक हैं जो कि आपके चैनल पर यहां पर आकर एथिक्स आपको पढ़ाएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जितना पढ़ाया जा रहा है, अभी एक ही क्लास डेली चल रही है, आप एक क्लास मुझसे डेली लेते रहिए। जैसे ही एथिक्स के टीचर आएंगे, आपका पहला और चौथा प्रश्न पत्र साथ साथ तैयार होगा, ठीक है। मैंने कल कहा था कि ऐसी कोई विषय वस्तु नहीं है जो इंसान की समझ में ना आए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आप धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। भूगोल में जो 2रा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद, वो है वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कोई, ये भूआकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है ना, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, इसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, भूआकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर कोई भूआकृति विज्ञानी नहीं थे और नहीं कोई भूगर्भ शास्त्री थे, अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायु शास्त्री थे। तो सवाल पैदा होता है कि एक जलवायु शास्त्री को क्या जरूरत थी ये बताने की कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हमने पहले ही बताया कि जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर मुख्य रूप से एक जलवायु शास्त्री थे, उनके सामने मुख्य समस्या जलवायु परिवर्तन की थी। वेगनर महोदय के सामने असली समस्या जलवायु परिवर्तन की थी। उन्होंने पाया था कि अलग अलग महाद्वीपों में हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। थोड़ी देर एक बात और समझ लीजिए, विषुवत रेखा के सहारे उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, उत्तरी ध्रुव और ध्रुवी दक्षिणी ध्रुव के सहारे ध्रुवीय जलवायु मिलती है, वहां पर बर्फ छाया रहता है, साल भर बर्फ का आच्छादन रहता है, उसे हम कहते हैं वहां पर हिमानीकरण है। तो हिमानीकरण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की विशेषता है, विषुवत रेखा के सहारे उष्ण जलवायु पाई जाती है। लेकिन वेगनर महोदय ने देखा कि ब्राजील, जहां पर भी पीला निशान लगा है, मैं उस संदर्भ की बात, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, वेगनर महोदय ने पाया कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनको हिमानीकरण का साक्ष्य मिला, मतलब अतीत काल में कभी वहां बर्फ की मोटी मोटी चादरों का विस्तार था। विग्नन महोदय को इस बात का प्रमाण मिला कि अतीत काल में यहाँ बर्फ की मोटी मोटी चादरों का विस्तार था, यानी ये ध्रुवीय जलवायु के अधीन थे। ऐसा तभी हो सकता है जब ये कभी ध्रुवीय जलवायु के अधीन थे, तभी यहाँ पर हिमानीकरण का साक्ष्य मिला। तो विग्नन महोदय के सामने असली समस्या जलवायु संबंधी परिवर्तन की थी। उन्होंने पाया कि ये जो एक ही स्थल खंड है, ये अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के अधीन रहे हैं। अभी तो ये विषुवत रेखा के आसपास है, आप देखिए यहां भी विषुवत रेखा के पास है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये विषुवत रेखा के आसपास स्थित स्थल हैं। लेकिन वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक ही स्थल खंड अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के अधीन रहे हैं। अब वो इसके कारणों की तलाश करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में अतीत में मोटी मोटी बर्फ की चादरें थी। ऐसा तो तभी हो सकता है जब ये स्थलखंड अलग अलग जलवायु के प्रभाव में रहे हों, भले ही आज उष्णकटिबंध में है, लेकिन कभी हो सकता है ध्रुवीय क्षेत्र में रहे हों। इसके कारणों की तलाश में उन्होंने ढेर सारी यात्राएं की, वेगनर महोदय ने ढेर सारी यात्रा की। यात्रा करने के बाद उन्हें कुछ प्रमाण मिले, कुछ ठोस बातें मिली, कुछ हद तक ठोस बातें उन्हें मिली। उससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि ये महाद्वीप स्थिर नहीं है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाद्वीप स्थिर नहीं बल्कि इन महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, अर्थात भले ही ये महाद्वीप विषुवत रेखा के आसपास हैं, लेकिन कभी ये ध्रुवीय क्षेत्रों के पास थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। इस तरह से एक जलवायु शास्त्री होते हुए भी वेगनर महोदय
ने भू आकृति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। अब विग्नर महोदय को जो प्रमाण प्राप्त हुए उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें कही। क्या क्या बताया विग्नर ने? बताया कि जितना भी स्थल खंड है, विग्नर महोदय ने बताया कि जितने भी स्थल खंड दिखाई दे रहे हैं ये अतीत काल में, विग्नर महोदय ने बताया कि जितने भी स्थल खंड हैं ये अतीत काल में आपस में जुड़े हुए थे। मतलब ये एक स्थल खंड के रूप में थे, अलग अलग नहीं थे, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। ये कब जुड़े हुए थे? उन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में। उनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में वर्तमान में जितने भी महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे और एक विशाल महाद्वीप का निर्माण होता था। उस विशाल महाद्वीप को उन्होंने पैंजिया नाम दिया। उन्होंने बताया कि एक ही विशाल महाद्वीप था और एक ही विशाल महासागर था। पेंजिया के चारों तरफ स्थित विशाल महासागर को उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। उन्होंने पैंथालासा कहा, मतलब एक ही महाद्वीप, एक ही महासागर। विग्नर महोदय ने बताया कि पेंजिया की आंतरिक संरचना में तीन परतें थी। ऊपरी स्तर, मध्यवर्ती स्तर केंद्रीय भाग। उन्होंने ऊपरी स्तर को सियाल कहा, मध्यवर्ती स्तर को उन्होंने सीमा कहा, जबकि केंद्रीय भाग को उन्होंने निफे कहा। निकल और फेरस से मिलकर बना है, कल मुझसे गलती हो गई थी, मैंने निकल को सिलिका बोल दिया था, तो केंद्रीय भाग को उन्होंने निफिल कहा क्योंकि ये निकल और फेरस से मिलकर बना है। उन्होंने बताया कि जो सियाल है उसका घनत्व तो काफी कम है और सीमा का घनत्व तो अपेक्षाकृत ज्यादा था। उन्होंने बताया कि पेंजिया के आंतरिक संरचना में तीन परतें थी, सियाल, सीमा, निफे। बताया कि सियाल का घनत्व अधिक कम था और सीमा का घनत्व तो ज्यादा था। इसके चलते सियाल बिना रुकावट की सीमा पर तैर रहा था। कैसे तैर रहा था? पृथ्वी गोल थी और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, समझ रहे ना, पृथ्वी गोल है तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, मतलब अगर सियाल सीमा पर तैरेगा तो ऐसे ऐसे तैरेगा, बात समझ रहे ना। अब ये तैरने की दर इतनी तेज नहीं होती जितना मैं बता रहा हूं। प्रतिवर्ष एक या दो सेंटीमीटर, कितना? एक साल में एक या दो सेंटीमीटर खिसकना कहते हैं। तैरना शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कम घनत्व वाला इसमें डूब नहीं सकता है, इसके ऊपर तैरती व्यवस्था में। चूंकि सीमा, जो सीमा है वो पेस्ट की तरह होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है ना, न पूरा कठोर न पूरा द्रव, न पूरा कठोर न पूरा तरल, इसलिए पेस्ट की भांति होता है और घनत्व ज्यादा है। यही कारण है कि सियाल कम घनत्व का है और उसमें डूब नहीं पाता। तो सियाल जो है सीमा के ऊपर तैरती हुई अवस्था में था, यानी अल्फ्रेड महोदय ने बताया कि सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैर रहा था। विग्नर महोदय ने इसके बाद कहा कि पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, यानी आज जो लारेशिया है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये लारेशिया है, और गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, भारत जो कि अफ्रीका से ही टूटकर जा लगा एशिया से, अफ्रीका से ही टूटा, मेडागास्कर के पास था और एशिया से जा लगा, तो भारत भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड के भाग थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पेंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया, जबकि दक्षिणी भाग है ना, उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता था। विग्नर महोदय ने बताया कि बाद में चलकर पेंजिया का विखंडन हो गया, मतलब लारेशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हो गया। विग्नर महोदय ने बताया कि लारेशिया और गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया,
दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे और उनके मध्यवर्ती भाग में पानी घुस गया। चारों तरफ महासागर था ही, दो स्थलखंड टूटकर अलग होंगे तो महासागरी भाग का जल बीच में आ जाएगा, बीच में जो है पानी भर गया। ये दोनों टूटकर अलग हो गए, लर्सिया गोंडवानलैंड एक दूसरे से टूटकर अलग हुए और बीच के भाग में टेथिस सागर का विस्तार हो गया। बीच में क्या बन गया? टेथिस सागर, टेथिस सागर का विस्तार हो गया। वेगनर महोदय ने बताया कि पेंजिया के विखंडन के बाद उसमें दो दिशाओं में प्रवाह प्रारंभ हुआ। पेंजिया के विखंडन के बाद उसमें दो दिशाओं में प्रवाह प्रारंभ हुआ, पहला उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर। विग्नर में उत्तर ने बताया कि पेंजिया के विखंडन के बाद उसमें दो दिशाओं में प्रवाह प्रारंभ हुआ, उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर। ये दोनों प्रवाह साथ साथ हुए, ऐसा नहीं कि एक महाद्वीप उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और दूसरा महाद्वीप पश्चिम की तरफ। ये दोनों प्रवाह साथ साथ हुए, कुछ महाद्वीप उत्तर की तरफ भी प्रवाहित हुए और फिर पश्चिम की तरफ भी प्रवाहित हुए। विग्नर महोदय ने बताया कि ये जो दोनों तरह के प्रवाह थे ये दो तरह के बलों से संभव हुए। उन्होंने बताया कि उत्तर की ओर का जो प्रवाह है विग्नर महोदय ने बताया कि उत्तर की ओर का प्रवाह जो गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल, उत्तर की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के चलते हुआ, जबकि पश्चिम की ओर का प्रवाह चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से हुआ। विग्नर महोदय ने बताया कि पेंजिया के विखंडन के बाद दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, उत्तर की ओर पश्चिम की ओर। उत्तर की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल और प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ क्योंकि कम घनत्व वाला सियाल सीमा पर तैर रहा था, कम घनत्व वाला सियाल सीमा पर तैर रहा था इसलिए स्वाभाविक रूप से वो तैरती हुई अवस्था में था जिसमें विस्थापन होता रहता था। तो उस बल प्लवनशीलता के बल के चलते उत्तर की ओर प्रवाह हुआ और पश्चिम की ओर का प्रवाह चंद्रमा की ज्वारी शक्ति के चलते हुआ। दरअसल पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्व कर्षण बल लगाती है, उसी तरह से द्रव्यमान केवल पृथ्वी में नहीं है, द्रव्यमान चंद्रमा में भी है। अगर पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींचती है या बांधे रखती है अपने चारों तरफ तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर एक गुरुत्व बल लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी पर जो गुरुत्व बल लगाता है यानी जो आकर्षण बल लगाता है उसे हम कहते हैं चंद्रमा की ज्वारी शक्ति। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्व बल के चलते ही यहाँ पर ज्वार भाटा आता है समुद्रों में। क्यों? क्योंकि पानी अपनी स्थिति को बदल सकता है, चट्टान अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते। पानी में जो खिंचाव होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जो खिंचाव होता है चंद्रमा की ज्वारी बल के चलते, उसको हम कहते हैं ज्वारी बल, है ना। तो ज्वार भाटा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ही संभव हो पाता है। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, है ना। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। और महाद्वीप किस पे स्थित है? सियाल पे। महाद्वीपीय भाग किस पे स्थित है? सियाल पे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, सियाल पे महाद्वीप स्थित है। चंद्रमा अपने ज्वारी बल को जब लगाता है तो ये जो महाद्वीप हैं चंद्रमा की ज्वारी बल से ठहरने का प्रयास करते हैं एक जगह पर, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसके चलते जो महाद्वीपीय क्षेत्र है वो पीछे छूट जाते हैं, पृथ्वी आगे घूमती रहती है और महाद्वीपीय क्षेत्र पीछे छूटते जाते हैं 1 या 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। कल्पना करना है यहाँ पे, ये सिद्धांत है, ये सच नहीं है। ये क्या है? ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत हम कल्पनाओं के आधार पर करते हैं, उसमें एक संकल्पना होती है, संकल्पना में कल्पना शब्द लगा है, ये सारा कुछ कल्पनाशीलता है। हाँ, कुछ वैज्ञानिक प्रमाण जरूर होते हैं लेकिन पूरा सत्य नहीं होता है, इसलिए इसे हम सिद्धांत कहते हैं। तो पश्चिम की ओर का प्रवाह चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से हुआ क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और सियाल पर स्थित महाद्वीप चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से पीछे छूट गए। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी कार में बैठकर यात्रा करने वाले हों, कार अचानक से आगे की ओर बढ़ती है तो हम पीछे झुक जाते हैं।
कार अचानक से आगे की ओर बढ़ती है तो हम पीछे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कार के रफ्तार का साथ शुरू में नहीं दे पाते, कार के रफ्तार का साथ थोड़ी देर बाद हम दे पाते हैं। अचानक हम पीछे क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें रोकने का प्रयास करती है। ठीक उसी तरह चंद्रमा की आकर्षण शक्ति महाद्वीपों को रोकने का प्रयास की, जिससे पृथ्वी आगे घूम गई और महाद्वीप पीछे चले गए। क्लियर? तो पश्चिम की ओर का प्रवाह चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से संभव हुआ। विग्नरी महोदय ने बताया कि सबसे पहले उत्तरी भाग का प्रवाह उत्तर की ओर हुआ, लारेशिया का प्रवाह। सबसे पहले लारेशिया का प्रवाह उत्तर की ओर हुआ, मतलब उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया सर्वप्रथम उत्तर की ओर प्रवाहित हुए, लारेशिया। विग्नर महोदय ने बताया कि जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का विखंडन हो गया, जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो गया, जिस कारण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपी भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपी भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गए। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड एक बड़ा खंड होता था, उसका विखंडन हुआ, जिससे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गए और गोंडवाना लैंड का अवशेष भाग अफ्रीका बना। ये गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा भाग है। क्लियर? विग्नर महोदय ने बताया कि दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। बाद में जो दोनों अमेरिकन महाद्वीप थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। किससे? टूटकर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप लारेशिया से टूट गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप गोंडवाना लैंड से टूट गया और ये दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए, जिससे आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। यानी शुरू शुरू में आंध्र महासागर नहीं था, जब ये दोनों महाद्वीप इस भूखंड से जुड़े हुए थे तो उस समय आंध्र महासागर यानी अटलांटिक महासागर नहीं था, तो इनके पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का निर्माण हुआ। इसी तरह से जब प्रायद्वीपी भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ, इसी प्रकार जब प्रायद्वीपी भारत अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ तो हिंद महासागर का निर्माण हुआ। आप कहेंगे भारत तो इतना ही बड़ा है। नहीं, भारत इतना बड़ा नहीं है। प्रायद्वीपी भारत का अधिकतम हिस्सा तिब्बत के नीचे घुसा हुआ है। भारत के उत्तर में हिमालय, हिमालय के उत्तर में तिब्बत, यानी प्रायद्वीपी भारत आज उतना ही नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। प्रायद्वीपी भारत तो यानी वो जो गोंडवाना लैंड का भाग, प्रायद्वीपी भारत को हम क्या कहते हैं? ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो गोंडवाना लैंड का एक भाग के रूप में भारत इतना ही नहीं है जितना आज प्रायद्वीपी भारत के रूप में दिखाई देता है। इसका उत्तर का हिस्सा हिमालय के नीचे, तिब्बत के नीचे घुस गया है। यानी गोंडवाना लैंड के भाग के रूप में भारत एक बड़ा भूभाग हुआ करता था, लेकिन चूंकि वो हिमालय के नीचे, तिब्बत के नीचे प्रवेश कर गया, इसलिए भारत का जो भूभाग है ये छोटा है। लेकिन जब ये टूटकर अलग हुआ था तो ये भूभाग काफी बड़ा हुआ करता था। तो प्रायद्वीपी भारत जब टूटकर उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ तो हिंद महासागर का निर्माण हो गया। आप देख रहे हैं कि महाद्वीपों का अतिक्रमण चारों दिशाओं में हो गया। पहले क्या था? पहले एक महाद्वीप एक महासागर, एक महाद्वीप एक महासागर। टूटने के क्रम में जब कई महाद्वीप बन गए तो महाद्वीपों का अतिक्रमण कई दिशाओं में हो गया। स्वाभाविक रूप से पैंथालासा बहुत संकुचित हो गया। महाद्वीपों के चारों दिशाओं में अतिक्रमण के चलते पैंथालासा काफी संकुचित हो गया और उसका अवशेष भाग क्या बना? पैसिफिक ओशन। ये देख रहे हैं एशिया के पूर्व में ये पूरा का पूरा क्या है? पैसिफिक ओशन। आप कहेंगे पैसिफिक ओशन कहां तक है? अरे पैसिफिक ओशन कहीं तक नहीं है। इसके जब आप पूरा में जाएंगे तो फिर वही सब कहानी शुरू हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? क्या? उत्तरी अमेरिका। पैसिफिक ओशन के पूरा में उत्तरी अमेरिका है और इसके दक्षिण में क्या है? दक्षिण अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो चूंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो एक स्थान से आप चलते हैं तो दोबारा उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, है ना। एक स्थान से चलना शुरू करेंगे उसी स्थान पर। तो एशिया के पूर्व में पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है।
आपने देखा कि महाद्वीपों का चारों दिशाओं में अतिक्रमण हुआ, पैंथालासा काफी संकुचित हुआ, उसका अवशेष भाग क्या बना? पैसिफिक ओशन बना। ये था वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब वेगनर महोदय ने अपने इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के सहारे वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को समझाने का प्रयास किया कि वलित पर्वत कहां थे पहले। जब पेंजिया था उस समय तो वलित पर्वत रहा नहीं होगा, बाद में ये मोड़दार पर्वत कैसे बन गए, एंडीज, रॉकीज, हिमालय भारत के उत्तर में। तो उन्होंने क्या किया कि अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जरिए वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया। इसके अलावा सभी महाद्वीपों के पश्चिम में द्वीपीय चाप दिखाई देते हैं, जैसे मेक्सिको की खाड़ी के पूर्व में क्यूबा और वेस्टइंडीज, क्यूबा और वेस्टइंडीज। इसी तरह सभी महाद्वीपों के पूर्व में, अमेरिकन महाद्वीपों के पूर्व में क्यूबा वेस्टइंडीज, इसे हम पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, क्यूबा और वेस्टइंडीज को। इसी तरह से एशिया के पूर्व में एशिया के पूर्व में क्यूराइल द्वीप समूह, सखालीन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह और फिलिपाइन द्वीप समूह। ये द्वीप समूह कैसे बन गए, जैसा कि अमेरिका के पूर्व में और एशिया के पूर्व में दिखाई देता है, ये पूर्व में ही क्यों है, पश्चिम में क्यों है, क्यों नहीं है? ये द्वीप समूह महाद्वीपों के पूर्व में ही क्यों है, पश्चिम में क्यों नहीं है? तो वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जरिए वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या और द्वीपी चाप, मतलब जब कई द्वीप श्रृंखलाबद्ध रूप में बनते हैं, जैसे चाप, चाप क्या होता है भाई, ये एक आकृति, इसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे हिमालय क्या है, चापाकार है, है ना, तो इस आकृति को हम चाप कहते हैं। तो वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के जरिए न केवल वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या बल्कि द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया। वेगनर महोदय ने बताया कि जब सियाल पर स्थित दोनों अमेरिकन महाद्वीप, भाई महाद्वीप किस पे हैं, सियाल पर स्थित हैं, सियाल कम घनत्व का है, सीमा ज्यादा घनत्व का है, सियाल सीमा पर तैर रहा है, दोनों अमेरिकन महाद्वीप सियाल पर हैं। तो उन्होंने बताया कि सियाल पर स्थित जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, है ना, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो सियाल सीमा से टकरा गया, मतलब नीचे से घर्षण उत्पन्न होने लगी। ये जो बीच का भाग है ना, ये जो बीच का भाग है ना, इसने रुकावट पैदा करने की कोशिश की इस बीच के भाग ने, तो आगे बढ़ने में दिक्कत आई सियाल को। मतलब दोनों अमेरिकन महाद्वीप जब पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सियाल द्वारा सीमा पर, सॉरी, सीमा द्वारा सियाल सीमा से टकरा गया, यानी सीमा द्वारा सियाल पर रुकावट उत्पन्न की गई, जिसके चलते दोनों अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मुड़कर वलित हो गए, मुड़कर वलित हो गए, है ना, क्योंकि जब सियाल सीमा पर तैर रहा था, दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, तो नीचे से सीमा द्वारा रुकावट हुई, जैसे रास्ते में कोई अवरोध खड़ा हो जाए, सीमा द्वारा रुकावट हुई और दोनों अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग वलित हो गए, परिणामस्वरूप रॉकीज और एंडीज जैसे विशाल पर्वतों की रचना हुई। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जब अफ्रीका से टूटकर, उन्होंने बताया कि जब अफ्रीका से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर का निर्माण हो गया था, जब लारेशिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हुए थे, बीच में चेतेश्वर सागर बन गया था, क्लियर है ना। तो जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो टेथिस सागर में सदियों से जमा औषधि मलबा, भाई समुद्रों में क्या ला जाता है, नदियों द्वारा बहाकर ढेर सारा, नदियां क्या करती हैं, स्थल भाग को काटती हैं, अपरदित करती हैं, वो सारा औषधि मलबा बालू के रूप में कहां जमा होता है, महासागरों में जमा होता है, धीरे धीरे औषधि चट्टान यानी परतदार चट्टान का रूप धारण कर लेता है, क्लियर। तो उन्होंने बताया जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो प्रायद्वीपीय भारत और लारेशिया के यानी एशिया के मध्य में स्थित टेथिस सागर में जमा औषधि मलबा मुड़कर वलित हो गया और हिमालय जैसे विशाल वलित पर्वत की उत्पत्ति हो गई। इस तरह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के जरिए वेगनर महोदय ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया है कि कैसे उत्पत्ति हो गई आखिर, ठीक है। इसी तरह उन्होंने द्वीपीय चापों की उत्पत्ति की समस्या को भी समझाने का प्रयास किया, कैसे, उन्होंने बताया कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप, सॉरी, उन्होंने बताया कि जब एशिया चंद्रमा की ज्वारी शक्ति के चलते, भाई पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से एशिया महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो उसका कुछ स्थलखंड
इस महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया। ठीक वैसे ही जैसे माँ बाप तेज चलते हैं, बच्चे पीछे छूट जाते हैं, मेले या बाजार में माँ बाप तेज चलते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी पीछे छूट जाते हैं। तो जब एशिया महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो उसका कुछ भाग इस महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्यूराइल, सखालीन, जापान और फिलिपाइन द्वीपों की रचना होती है। क्लियर। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार दोनों अमेरिकन महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के क्रम में कुछ भाग पीछे छूट गया और क्यूबा और वेस्ट इंडीज जैसे द्वीप समूहों की रचना हुई। समझ गए कि वेगनर महोदय के अनुसार किस तरह से वलित पर्वतों और द्वीपीय चापों की उत्पत्ति हुई, ये वेगनर महोदय का दृष्टिकोण था। हमने कहा सिद्धांत कभी सच नहीं होता है, ये कल्पनाशीलता होती है। ये वेगनर महोदय का दृष्टिकोण था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत। अब सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, वेगनर महोदय ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह डाली थी। हुआ क्या कि वो एक जलवायु शास्त्री थे, एक जलवायु शास्त्री महाद्वीपों का प्रवाह बता रहा है, तो उसमें तमाम भूगर्भ शास्त्री थे जो खुद भी काम कर रहे थे पृथ्वी के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर, महासागरों के ऊपर। जब वेगनर महोदय ने एक जलवायु शास्त्री होते हुए भूगर्भ विज्ञान का इतना बड़ा सिद्धांत दे डाला तो प्रमाण तो देना पड़ता है कि भैया आप ये बात कर रहे हो, साक्ष्य क्या है, है ना। तो वेगनर महोदय जुट गए प्रमाण जुटाने में, प्रमाण जुटाने लगे, यात्राएं की, प्रमाण जुटाए, ढेर सारे प्रमाण ले आए कि देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोला, मैं सही कह रहा हूं। कैसे? सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। तो चूंकि महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने कई तरह के साक्ष्य जुटाए। वो साक्ष्य भूगर्भिक थे, भूआकृतिक थे। ये क्या होता है भूगर्भिक, बताता हूं। जब चट्टानों की संरचना का अध्ययन करते हैं तो भूगर्भिक कहते हैं कि चट्टानों की संरचना कैसे। तो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, विस्थापन हुआ है, इसे प्रमाणित करने के लिए वेगनर महोदय ने कई साक्ष्य जुटाए। जैसे कुछ भूगर्भिक साक्ष्य जुटाए, कुछ भूआकृतिक, कुछ जैविक साक्ष्य जुटाए, है ना, और कुछ जलवायुविक, जैसे जलवायु में परिवर्तन। तो उन्होंने कुछ भूआकृतिक, भूगर्भिक, जलवायुविक और जैविक साक्ष्य जुटाए। सबसे पहले क्रम में उन्होंने बताया, पहला सबसे पहले उन्होंने बताया कि वर्तमान में सभी महाद्वीपों को जोड़कर पंजिया का रूप दिया जा सकता है। यदि सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ जाए तो पंजिया बन जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि विस्थापन के क्रम में उनकी तटीय संरचना में काफी बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ पर हवा पानी हमेशा अपना काम करता रहता है, जिससे अपरदन होता रहता है, है ना। तो उन्होंने बताया कि सभी महाद्वीपों को जोड़कर मोटा मोटा रूप में एक पेंजिया का रूप दिया जा सकता है। उन्होंने ये, हाँ, आप पहले के अंतर्गत ही लिखेंगे, फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है, इस चित्र को देखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ब्राजील तट और गिनी तट, यहाँ पे अफ्रीका में गिनी नामक देश है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गिनी कोस्ट कहते हैं। उन्होंने बताया कि गिनी तट और ब्राजील तट में भूआकृतिक और भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है, मतलब भूआकृतिक रूप से और भूगर्भिक रूप से दोनों एक हैं। भूआकृतिक रूप से कैसे, आप देखिए इन दोनों को जोड़िए, जोड़ देंगे। उन्होंने बताया कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों को आपस में ठीक उसी प्रकार जोड़ा जा सकता है, यानी ब्राजील तट और गिनी तट को आपस में उसी तरह से जोड़ा जा सकता है जिस तरह से एक ही वस्तु को दो टुकड़े करके फिर से हम जोड़ सकते हैं, पेन को दो टुकड़े करके फिर से जोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि गिनी तट ब्राजील तट में भूगर्भिक और भू आकृतिक समरूपता है, ब्राजील तट और गिनी तट को ठीक उसी प्रकार से जोड़ा जा सकता है जैसे एक ही वस्तु के दो टुकड़े करके उन्हें फिर से आपस में जोड़ दो। इतना ही नहीं, उन्होंने भूगर्भिक प्रमाण भी जुटाए। उन्हें बताया कि दोनों तटों में भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है। उन्हें भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर बताया कि अफ्रीका के पश्चिमी तट के पर्वत क्रमों और ब्राजील तट के पर्वत क्रमों में समरूपता पाई जाती है। उन्हें बताया कि अफ्रीका के पश्चिमी तट के पर्वत क्रमों और ब्राजील तट के पर्वत क्रमों में भूगर्भिक समरूपता पाई जाती है, यानी पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों तटों के जो पर्वत हैं उनकी चट्टानी संरचना बिल्कुल एक जैसी है।
दूसरा उन्होंने बताया कि जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है लगभग उतना ही क्षेत्रफल उसके पूर्व में स्थित द्वीपों का सम्मिलित रूप से है। भाई देखिए, जैसे ऑफलाइन में बैठ के आप लोग क्लास करते हैं ना, वैसे ही मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपको स्लो लगेगा, लेकिन यकीन मानिए पढ़ाई ऐसे ही होती है। ये नाच गाना तो है नहीं कि दो मिनट में सब कुछ दिखा लिया जाए, है ना। जैसे आप कोई कोचिंग जाते हैं, दो दो घंटा ढाई ढाई घंटा टीचर महोदय के सामने बैठते हैं ना, वैसे ही बैठने की आदत डालिए आप लोग, डालना पड़ेगा। तो बताइए, जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है लगभग उतना ही क्षेत्रफल खाड़ी के पूर्व में स्थित द्वीपों का सम्मिलित रूप से है। ये भी एक प्रमाण है। ये जो द्वीप है, मैक्सिको की खाड़ी है, उसके पूर्व में जो द्वीप है, अगर इन सभी द्वीपों को आपस में जोड़ दिया जाए, इवन यहां पे भी तो एक द्वीप है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, है ना, जिसको क्या कहते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एक इतना बड़ा भूखंड यहां भी है। तो अगर आप इन सभी द्वीपों को आपस में जोड़ दीजिए और मैक्सिको की खाड़ी में इन्हें फिट कर दीजिए, तो मैक्सिको की खाड़ी भर जाएगी। इसे प्रमाणित होता है कि द्वीप कभी मैक्सिको की खाड़ी के भाग थे, बाद में टूटकर पीछे छूट गए। जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है, लगभग उतना ही क्षेत्रफल उसके पूर्व में स्थित द्वीपों का सम्मिलित रूप से है। फिर उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया, मतलब वही नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड, ये वाला जो भाग है, इसको स्कैंडिनेविया कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया के पर्वतक्रम, ये क्या है, ब्रिटिश द्वीपपुंज, यहां पे स्कॉटलैंड है, है ना। उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया के पर्वतक्रम, उत्तरी स्कॉटलैंड के पर्वतक्रम और कनाडा के लॉरेंस पर्वतक्रमों में समरूपता पाई जाती है। ये भले ही अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, स्कैंडिनेविया अलग है, ब्रिटिश द्वीपपुंज अलग है, कनाडा अलग है, लेकिन कभी ये सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, यही बताने का प्रयास विग्नर महोदय कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कैंडिनेविया, उत्तरी स्कॉटलैंड और कनाडा के लॉरेंस पर्वतक्रमों में काफी समरूपता पाई जाती है, यानी इन पर्वतक्रमों की जो भूगर्भिक संरचना है, चट्टानी संरचना एक जैसी है, यानी कहने का प्रयास कि आपस में कभी ये जुड़े हुए थे। इसी तरह से वेगनर महोदय ने बताया कि साइबेरिया, रूस का जो पूर्वी भाग है, यूराल पर्वत के पूर्व में, उसको साइबेरिया कहते हैं। उन्होंने बताया कि साइबेरिया और कनाडा, उन्हें बताया कि साइबेरिया और कनाडा में कोयले के निक्षेप मिलते हैं। साइबेरिया और कनाडा में कोयले के निक्षेप मिलते हैं, ये दोनों क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के पास हैं। जबकि सच क्या है, सच ये है कि कोयले का निर्माण केवल विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही हो सकता है या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही हो सकता है, इसके आसपास के क्षेत्रों में ही हो सकता है। आप देख लीजिए, कोयला उत्पादन ज्यादातर जो समृद्ध देश कौन से हैं कोयले में, चीन है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है ना। तो भूमध्य रेखा के, वो अलग बात है कि महाद्वीपों का प्रवाह तो हुआ ही है। तो अगर रूस में भी कोयला पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में भी कोयला पाया जाता है, तो उन्होंने बताया कि साइबेरिया और कनाडा में कोयले के निक्षेप कहां से मिलते हैं, जबकि कोयले का निर्माण केवल विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ही हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से कनाडा और साइबेरिया वाले जो भूभाग हैं, वो कभी विषुवत रेखा के आसपास रहे होंगे, यहीं पर रहे होंगे, तभी वहां पर कोयले का निर्माण हुआ। यह अलग बात है कि बाद में प्रवाहित होकर यह भूखंड उत्तर की तरफ चले गए, क्योंकि कोयले के निर्माण की जो दशा है उसमें काफी गर्मी होनी चाहिए। अगर वहां पर गर्मी कम है तो ध्रुवीय क्षेत्र में कोई भी पेड़ दब जाए, उससे कोयले का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम ठंडा है, तापमान उसमें संचित ही नहीं होगा, ऊर्जा संचित ही नहीं होगी। हाँ, अगला प्रमाण, तीन प्रमाण हो गए, चौथा प्रमाण क्या है? विग्नर मोदी ने बताया कि ब्राजील
दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, ब्राजील दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, वन मिनट, फॉकलैंड द्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलिया यहां लिख देते हैं। उन्होंने बताया कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत में हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि विग्नर महोदय ने अगला प्रमाण यह दिया कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में अतीत काल के हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि ये सभी क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में यानी विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में है। फिर यहां हिमानीकरण का साक्ष्य कैसे है? इसकी व्याख्या में विग्नर महोदय ने बताया कि अतीत काल में ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और मतलब यहां हिमानीकरण तभी हो सकता है जब अतीत काल में ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए रहे हो और दक्षिणी ध्रुव डर्बन के पास रहा हो। दक्षिणी ध्रुव कहां रहा हो? डर्बन के पास। मतलब ये पूरे हिस्से कहां रहे होंगे? दक्षिणी ध्रुव के पास रहे होंगे। दक्षिणी ध्रुव डर्बन के पास नहीं रहा होगा, बल्कि डर्बन दक्षिणी ध्रुव के पास रहा होगा। और ये सभी 1, 2, 3, 4 ये सभी स्थलखंड ये यहां जुड़ा हुआ था, ये यहां जुड़ा हुआ था, ये देखिए ये यहां जुड़ा हुआ था, ये यहां जुड़ा हुआ था और ये भी यहां जुड़ा हुआ था। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, विग्नर महोदय ने बताया कि इन चारों क्षेत्रों में हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि ये चारों क्षेत्र वर्तमान विषुवत रेखा के आसपास हैं। ऐसा तभी हो सकता है यानी यहां हिमानीकरण अतीत काल में तभी हुआ होगा जब ये सभी महाद्वीप, ये सभी क्षेत्र, चारों स्थलखंड आपस में जुड़े हुए रहे हो और दक्षिणी ध्रुव डर्बन के पास रहा होगा। यानी ये सभी ध्रुवीय क्षेत्रों में थे, इसलिए यहां पे हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। बाद में सभी महाद्वीप या तो उत्तर की ओर प्रवाहित हो गए या फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। समझाने के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट, चलिए प्रमाण बताने के लिए इतना काफी है। विग्नर महोदय के प्रमाणों में भी 6-7 और हैं, लेकिन चूंकि आप जीएस का स्टडी कर रहे हैं, 6-7 अरे 8-10 तो छोड़िए, 2-3 प्रमाण भी दे देंगे ना तो समय कम पड़ जाएगा। तो आपने जो 5 या 6 प्रमाण बताए विग्नर महोदय के अनुसार उतना पर्याप्त है। हर सिद्धांत में एक बुराई होती है कि उसमें कुछ कमियां होती हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचना, चूंकि वो जलवायु शास्त्री थे, महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित इतना बड़ा बड़ा बात कह गए थे, तो जल्दी ही उनके सिद्धांत में, चूंकि उन्होंने अपना सिद्धांत बहुत तेजी से दौड़ भाग के प्रमाण जुटाए थे, बहुत तेजी से सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण तो दे दिए थे, लेकिन सिद्धांतों में कई समस्याएं थी, उनके प्रमाणों में कई समस्याएं थी। कौन कौन से थे? तो जो दूसरे भूगर्भ शास्त्री लोग थे उनकी आलोचना करने लगे। एक व्यक्ति ऐसे तो विग्नर महोदय ने बहुत, उनका योगदान काफी ज्यादा है, महाद्वीपों का प्रवाह हुआ ही सबसे पहले विग्नर महोदय ने ही बताया, लेकिन आलोचना उसी की होगी जो बड़ा काम करेगा। तो बाकी लोग जो भूगर्भ शास्त्री थे वो विग्नर महोदय की खिल्ली उड़ाने लगे कि आप जलवायु शास्त्री हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जबकि आप जो कह रहे हैं वो तो झूठ है, ऐसा संभव ही नहीं है। क्या ये संभव है कि चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से महाद्वीप पीछे छूट जाए? हद है। अच्छा बताइए पंजिया का विखंडन कैसे हो गया? विग्नर महोदय चुप, कोई कारण ही नहीं बता पाए, क्योंकि जब आप सिद्धांत देते हैं तो उसका कारण बताना पड़ता है। तो बाकी लोगों ने पूछा कि पंजिया का विखंडन कैसे हुआ बताइए, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ खास नहीं बोला, आंतरिक कारणों से हुआ। कैसे हुआ? आंतरिक कारणों से हुआ। अच्छा, तो विखंडन से पहले पंजिया किस बल से आपस में जुड़ा हुआ था, यह भी बताने विफल रहे। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, आज हमें अटलांटिक महासागर में विशाल मध्यवर्ती कटक दिखाई देता है, पहाड़ की तरह है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ पहाड़ कह सकते हैं आप। तो अटलांटिक महासागर में विशाल मध्यवर्ती कटक दिखाई देता है, आज वर्तमान की बात कर रहा हूं, ऐसे है। तो बुराई करने वालों ने पूछा कि जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए तो उस समय मध्यवर्ती कटक कहां था, मतलब मध्य अटलांटिक कटक उस समय कहां था, और बाद में इसका निर्माण कैसे हो गया? विग्नर महोदय चुप, इसका भी कारण नहीं बता पाए।
वेगनर महोदय कई परस्पर विरोधी बातें भी कर डाले। पहले बताया कि सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है, पहले बताया कि सियाल सीमा के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहा है। बाद में करने लगे, बाद में जब वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने लगे, एंडीज और राकिज की उत्पत्ति की व्याख्या करने लगे, तो बताने लगे कि जब सियाल सीमा पर तैर रहा था तो अचानक सीमा द्वारा रुकावट पैदा की गई, अर्थात सियाल सीमा से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग वलित हो गए। तो ये तो विरोधी बात है, जब सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था तो बाद में टकरा कैसे गया। तो उन्होंने कई परस्पर विरोधी बातें कर डाली। इसी तरह उन्होंने कहा कि गुरुत्व बल के चलते महाद्वीपों का उत्तर की ओर प्रवाह हुआ, लेकिन ये गलत है। गुरुत्व बल के चलते महाद्वीपों में प्रवाह नहीं होगा, वो दूर नहीं जाएंगे बल्कि आपस में सट जाएंगे। इसको कहते हैं गुरुत्व बल, आकर्षण बल होता है वो। तो गुरुत्व बल के चलते उनमें प्रवाह नहीं होगा बल्कि वो एकजुट हो जाएंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से दोनों अमेरिकन महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ, ये भी गलत है। ये सच बात है कि चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह तभी हो सकता है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती पृथ्वी पर दोनों अमेरिकन महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से तभी हो सकता है जब चंद्रमा की ज्वारी शक्ति वर्तमान से कम 1 करोड़ गुना अधिक हो, 2-4 गुना नहीं 1 करोड़ गुना अधिक होगा, तब जाके वो पीछे छूटेंगे महाद्वीप। क्लियर। तो उनके सिद्धांत में कई समस्याएं थी, तो उनके सिद्धांत की जो आलोचना है उनका मूल्यांकन पॉइंट बाय पॉइंट कर लिया जाए, उसे आप लिख लीजिएगा। तो वास्तव में कैसे सिद्धांत की आलोचना कैसे करेंगे, पहला पॉइंट शुरुआत करते हैं। वेगनर महोदय एक जलवायु शास्त्री थे, न कि कोई भूगर्भ शास्त्री। एक जलवायु शास्त्री होते हुए भी उन्होंने भूआकृति विज्ञान से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था, है ना। यानी अतीत काल में हुए जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने के संदर्भ में उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके चलते वेगनर महोदय के सिद्धांत में कई त्रुटियां रह गई हैं, कई गलतियां रह गई हैं, और उन्होंने कई परस्पर विरोधी बातें भी कर डाली हैं, उल्टी बातें। पहला, चंद्रमा की उन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए, पहला पॉइंट, उन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों का प्रयोग किया है, महाद्वीपों का प्रवाह के लिए जिन बलों को कारक बताया है, वो बल अपर्याप्त है। उतने बल के चलते महाद्वीपों का प्रवाह नहीं हो सकता। जैसे गुरुत्व बल के चलते महाद्वीप दूर नहीं जाएंगे बल्कि पास आ जाएंगे, उसी तरह से चंद्रमा की ज्वारी शक्ति से महाद्वीपों का प्रवाह तभी पश्चिम की ओर हो सकता है जब चंद्रमा की ज्वारी शक्ति 1 करोड़ गुना ज्यादा हो। दूसरी आलोचना का आधार क्या था, वेगनर महोदय ने यह नहीं बताया कि पेंजिया का विखंडन कैसे हुआ। जब कोई सिद्धांत देते हैं तो उसके कारणों को बताना जरूरी है, तो पेंजिया के विखंडन के कारणों को बताने में वेगनर महोदय ने केवल इतना बताया कि ऐसा आंतरिक कारणों से हुआ। उन्होंने बताया कि पेंजिया का विखंडन आंतरिक कारणों से हुआ। यह तथ्य जो है इनके सिद्धांत के वैज्ञानिक आधार को कमजोर करता है। दूसरा, वेगनर महोदय ने बताया कि विखंडन के पश्चात महाद्वीपों का प्रवाह या तो उत्तर की ओर हुआ या पश्चिम की ओर हुआ, लेकिन जो प्रायद्वीपी भारत है इसका प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर हुआ और अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, तभी हिमालय में भूकंप आते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ, प्रायद्वीपी भारत भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। इस संदर्भ में वेगनर महोदय बिल्कुल चुप है, उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया, बोला था कि हुआ होगा। ठीक है, वेगनर महोदय ने कई परस्पर विरोधी बातें भी कर डाली हैं। अपने सिद्धांत को सही ठहराने के चक्कर में उन्होंने कई विरोधी बातें भी कर डाली। शुरू में बताया कि सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, बाद में कहा कि सियाल सीमा से टकरा गया। अब इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, इस बारे में भी वेगनर महोदय बिल्कुल मौन है। वेगनर महोदय ने बताया कि अफ्रीका से टूटकर यानी ब्राजील तट और गिनी तट आपस में जुड़े हुए थे, इसी तरह से उत्तरी अमेरिका यूरोप से जुड़ा हुआ था। तो वेगनर महोदय ने बताया कि जब ये दोनों भूभाग, दोनों अमेरिकन महाद्वीप अफ्रीका और यूरोप से जुड़े हुए थे, तो उस समय मध्य अटलांटिक कटक कहाँ था, और जब दोनों अमेरिकन महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए तो मध्य अटलांटिक कटक की उत्पत्ति कहाँ से हो गई अचानक से, इस बारे में भी वेगनर महोदय ने कोई खास कारण नहीं बताया है। वेगनर महोदय ने यह भी नहीं बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल द्वारा आपस में जुड़ा हुआ था, क्यों आपस में जुड़ा हुआ था, उन्होंने ये भी नहीं बताया। ये हो गया वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत,
पक्ष में जुटाए गए प्रमाण वेगनर महोदय द्वारा और उनके सिद्धांत में कमियां या आलोचना। हो गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, आपने इतना पढ़ लिया। मुझे लगता है कि इसे पढ़ने के बाद आप इसको बिना रिपीट किए भी अपनी कॉपी खोलिए लिख सकते हैं, लेकिन अभी बिना देखे मैं नहीं लिखना है आपको। डेली मेरा वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, डेली मेरा वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है। अभी बहुत तेजू खा नहीं बनना है, देखते रहना है, नोट्स बनाना है। मैं बताया कि वीकेंड में आपको एक सप्ताह का पढ़ाया गया नोट्स देने का भरसक प्रयास करूंगा। वीकेंड में नहीं हो पाया, 10 दिन में होगा, लेकिन होगा जरूर। मैंने आज प्रयास किया कि एनसीईआरटी की पुस्तकें प्रथम प्रश्न पत्र की, इतिहास की एनसीईआरटी, भूगोल की एनसीईआरटी और सामाजिक समस्याओं की एनसीईआरटी आपको उपलब्ध करा दूं। आज नहीं हो पाया रविवार होने के चलते, मैं अगले 24 से 48 घंटों में आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, जिसे आप फोटोस्टेट करा सकते हैं। लेकिन आप बड़े लक्ष्य की ओर उन्मुख हो रहे हैं धीरे धीरे मेरे साथ, तो मैं मानता हूं कि अगर आप में क्षमता है कुछ भी करने की और आप चाहते हैं तो बहुत से काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे। मिलते हैं कल। मैं आलोक सिंह, नमस्कार।